सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल के इस्तेमाल से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर बैठे ही ये पता कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं, और वो तरीका मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें अपना डायलर पैड ओपन करना है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पहले भी इस कोड के बारे में सुना होगा लेकिन आपको इसमें कई परेशानियाँ आ रही होंगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर डायल करना है *999#। तो आपने पहले भी इस कोड के बारे में सुना होगा लेकिन जब भी आप इस कोड को ट्राई करते होंगे तो आपको एक एरर आता होगा, error 549। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, मैंने आपको यही उसमें बताया कि मैंने ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर दी है, जो ये एरर आता था उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो कैसे अब हमें क्या करना है वो आपको मैं इसमें बताता हूँ। तो आपको ये *999#, ये आपको डायल करना है और आपको ये डायल उसी नंबर से करना है जो नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ ऑलरेडी लिंक है। जहाँ दोस्तों, सिर्फ उसी नंबर से आपको डायल करना है जो आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आप दूसरे नंबर से करेंगे तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे, तो हम इस उसी नंबर से डायल कर देते हैं। अब देखिए, मैंने इसको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको डायल कर दिया है। अब देखिए, आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक एरर कोड आ जाएगा, देखिए error 549। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोड को ट्राई किया होगा तो आपको भी यही एरर आया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर आता है तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे आगे हमें बढ़ना है। तो अब हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे ही एरर आएगा 549, तो अब हमें यहाँ पर टाइप करना है 549 ही। देखिए, एरर 549 ऊपर लिखा हुआ आया है तो हमें यहाँ पर 549 टाइप कर देना है, और 549 टाइप करने के बाद इसको हमें सेंड कर देना है। अब देखिए, मैंने इसे सेंड कर दिया है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो सर्विस थी चालू हो गई है। अब यहाँ पर हमें वेलकम किया गया है और हमें पूछा गया है ऑप्शन में, ऑप्शन 1 है आधार लिंकिंग स्टेटस। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर पे हमें ये बताया जाएगा कि आधार लिंकिंग स्टेटस हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है, 1। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हमें यहाँ पर टाइप करना है 1, क्योंकि 1 नंबर पर आधार लिंकिंग स्टेटस है, इसलिए हमें 1 टाइप करना है और इसे सेंड देना है। जैसे आप इसे सेंड कर देंगे तो देखिए, आपसे यहाँ पर आपका 12 डिजिट का आधार नंबर पूछा जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, तो आप भी अपना आधार नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, और सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इसे थोड़ा छुपा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर बिल्कुल ठीक ठीक डाल दीजिएगा। देखिए, मैं अपना आधार नंबर यहाँ टाइप कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से बड़ी आसानी से ये चेक कर लेंगे कि आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड रजिस्टर्ड है या नहीं। जैसे ही आप आधार कार्ड लिख लेंगे नंबर उसका, आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आप नया एक मैसेज आएगा, योर आधार नंबर इज़ ये, मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो आधार नंबर डाला है वो बताया गया है। अगर ये ठीक है तो आप 1 दबाइए, और अगर चेंज करना चाहते हैं तो 2 दबाइए। मेरा नंबर ठीक है तो मैं इस पर 1 लिख कर सेंड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने 1 लिख कर सेंड पर क्लिक किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं, योर आधार नंबर, जो भी मेरा आधार नंबर लिखा हुआ है, इज़ लिंक्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, आप क्लियर आप देख लीजिएगा, मैंने जो अपना आधार नंबर डाला था, आप यहाँ पर मुझे बता दिया गया है कि मेरा आधार नंबर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक्ड है। तो दोस्तों, ये थी वो वीडियो जिसमें आप *999#, जब भी आप ट्राई करते थे तो आपको एक एरर आता था 549। तो इस वीडियो में हमने आपको उसका सॉल्यूशन बताया कि आप किस तरह से आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है
और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।